एमएनएस विधायकों की इस गुंडागर्दी पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सकते में हैं। हर दल ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसकी निंदा की है। एक बार फिर लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, जनता हैरान है, नेता सदमे में है। आज मुझे वही याद आ रही जिस तरह से हिंदी की द्रौपदी को आज सभागार में नंगा किया गया है राज ठाकरे के दुर्योधन और दुशासनों द्वारा। इसको पुरजोर शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं और समय रहते ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देश को टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है जो कहकर विरोध नहीं कर सकते, जो अपना मत व्यक्त करके नहीं कर सकते, उसके लिए मारपीट या कोई भी प्रकार का अगर हिंसा होती है तो मैं इसको अत्यंत निंदनीय मानता हूं। हर आदमी को विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, असेंबली में या पार्लियामेंट में मारपीट ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम राजनीतिक दल एक सुर से गुस्सा जता रहे हैं, लेकिन एमएनएस के कोई पछतावा नहीं। हम उनको बार बार विनती कर रहे थे कि आप मराठी में शपथ लो, तो भी उन्होंने माना नहीं। अब जो आदमी जो जिस प्रकार की भाषा समझता है उस भाषा में अगर उसे उत्तर दिया जाए तो मैं नहीं मानता अभी ठीक है। उधर एमएनएस विधायकों के हमले का शिकार बने अबू आजमी पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो एमएनएस विधायकों को माफ करने के मूड में नहीं। कार्रवाई ये होना चाहिए कि इनको 5 साल के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। ये कोई गुंडागर्दी का अखाड़ा नहीं है, यहाँ पे लोगों के सवालों पर यहाँ काम करने आए हैं। जाहिर है इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर गली मोहल्लों की राजनीति विधानसभा में भी शुरू हो गई तो फिर लोकतंत्र का भगवान ही मालिक। आज तक ब्यूरो।